नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान एक्सप्रेस ऑनलाइन। एक तरफ जहां लगातार ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की आशा की किरण बनकर लगातार लोगों की सेवा कर रही है सोसाइटी हेल्प ग्रुप के युवा। लगातार सिवान जिले में लोगों के ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को सिलेंडर रिफिलिंग करा रहे हैं, जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। कई ऐसा परिवार है जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर सेट करने नहीं आ रहा है, उनके घर जाकर ये संस्था के सदस्य खुद जाकर सेट कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर सेट करने नहीं आ रहा है, जिसके वजह से उनके मरीज को जान चली जा रही है। अब तक सिवान जिले में सोसाइटी हेल्प ग्रुप के सदस्यों द्वारा 50 से अधिक लोगों का ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जा चुकी है। वहीं 300 से अधिक लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग कराई जा चुकी है, वो भी खुद के पैसों से। संस्थापक अनमोल कुमार ने बताया कि हम सभी उतने लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि उतना साधन हम सभी के पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी दिन हो या रात, जितना हम सभी से हो पा रहा है उतना किया जा रहा है। लोगों की जान हम सभी के हाथ में नहीं है, फिर भी किसी की जान ऑक्सीजन की कमी से न जाए, यह प्रयास लगातार हम सभी की जारी है। जब तक हम सभी के सांसें रहेगी, किसी के सांसें न जाए, ये प्रयास जारी रहेगी। सोशल मीडिया में कई सारी नंबर जारी की गई है ताकि उस नंबर के माध्यम से किसी तरह की जरूरत पड़े तो संपर्क कर लोग उसका उपयोग कर सके। इस कार्य में मसिया के भूमिका ग्रुप के सदस्य मकेश्वर जायसवाल, दीपक जी, सूरज जी, संदीप जी, किशन जी लगातार निभा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ये हमारी टीम है और यहाँ पे भराई हो रही है, ऑक्सीजन भरा रहा है।